यादगार है ना, वो बहुत मानते थे, दीदी मानते थे उसको। ये उसका बहुत, मुझे ये फोटो बहुत अच्छा लगता है उसका। फोटो के साथ सर्वोपरि लिखा है, लिखा है सब, फोटो की स्टोरी, फोटो के बारे में लिखा है। ओके डन डन, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। कितने दिन की मेहनत है ये, आपको सबसे ज्यादा आप ही बता सकते हैं? मेहनत तो नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ वो गई, जैसे अमेरिका में गई, लंदन में गई, या रोम में गई, सब जगह उसको जहाँ जहाँ अच्छा लगा वो फोटो लेती गई वो। और घर में हम लोग, घर जितने भी घर के मेंबर थे उनके फ़ोटो लेते गए। मेरी मौसी का लिया, मेरे कुछ 50 फ़ोटो लिए, हृदयनाथ के बच्चों के बहुत सारे फ़ोटो लिए, सबके फ़ोटो लेती गई। लेकिन क्या हुआ, उसके 2-3 फ़ोटो के ऊपर इतना इतना बड़ा हो गया था इकट्ठा उसका, तो क्या करेंगे इसका। तो उन्होंने कहा हम लोग एक अच्छा एल्बम बनाएंगे, तो बनाई। अभी ये बात कर रही हूँ मैं, 46 से वो फ़ोटो निकाल रही है, और हम लोगों ने ये तय किया 2022 को। तो इतने सालों से उसने जमा किए हुए, कुछ फेल हो गए थे, उनको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक एंड वाइट बहुत अच्छे थे, तो वो सब इकट्ठा करके उसने एडिट किया और सब सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन करके वो जमा करके कौन सी के बाद कौन सा बच्चों का अलग, ये सब करके रखा। उसने कहा, मैंने उसको कहा कि अभी आप इसका एल्बम तैयारी कीजिए प्रिंट करने का, लेकिन वो दिन आया ही नहीं। उसे कुछ दिनों के बाद बीमार हो गए और हम लोग उसको बढ़ा नहीं सके, लेकिन है वो आज इधर, तो कोई चिंता की बात नहीं है। वो देख रही है कि उसकी किताब कितनी अच्छी बनी है और सबको बहुत अच्छी लगेगी, इस पे मेरा विश्वास है, और उसको भी खुशी होगी ऐसा मुझे लगता है। जब बुक लॉन्च हमने देखा, आप काफ़ी इमोशनल हो गए थे, क्या चीज़ें दिमाग में आई आपके जब आपने बुक हाथ में लिया? कौन सा? अब ये जो लॉन्च किया फोटो आपने अंदर, तो क्या चीज़ें दिमाग में आई कि आज अगर सामने हो जाता तो इस चीज़ का मलाल है? बहुत अच्छा होता, सामने हो जाता तो बहुत अच्छा था, हम लोग देख सकते थे कि वो कितनी खुशी से कर रही है, लेकिन हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन वो तो देख रही है ना, वो तो देख रही है, हम लोग मानते हैं इस बात को। ये जितने फोटो हैं नेहरू ऑडिटोरियम में, बहुत सारे हैं, कहाँ पे रखे जाएंगे और कितने फोटो की संग्रह है? घर पे रखे हैं। यहाँ पर भी कुछ बनाया जाएगा? नहीं, इसमें से इसमें काफ़ी लिए हैं, जो बच्चे हैं वो घर पे हैं। नहीं, यहाँ पर कुछ भी ऑडिटोरियम में रखे जाएंगे कह रहे थे कुछ? नहीं नहीं, यहाँ पे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी नहीं, दीदी ने बऱ्याच वर्षांपासून, जे 53-54 याच्याही आधी माझे खूप फोटो काढले होते, खूप म्हणजे खूप, आणि नंतर ती हृदयनाथचे, नंतर हृदयनाथच्या मुलांचे, आशातेच्या मुलांचे, नातवांचे, सगळ्यांचे फोटो तिनं काढले। तर ते फोटो नुसते पडलेले होते, सिव्हिल सिनरी, आणखी प्लेनमधनं काही काढलेले फोटो, फॉरेनचे फोटो, जनावरांचे फोटो, हसी हुआ वाघ वगैरे सर्व, तर ते सगळं तिच्याकडे नुसता गठ्ठा पडला होता, काय करायचं त्याचा। म्हणून शेवटी आम्ही ठरवलं की आपण सगळ्यांनी ठरवलं की एक छानपैकी पुस्तक काढावं, एक आल्बम काढावा त्याचा, आणि इतक्या वर्षानंतर तिला आत्ता असं वाटलं करावा, तिनं स्वतः बसून सगळे पुस्तकात जेवढी चित्रं पाहिजेत तेवढी तिनं निराळे केली, आणि त्याचं एडिटिंग केलं की हा भाग काटा, हा राहू नको, राहायला नको असं, तर हे सगळं तिनं सांगितलं। आणि पुस्तक जे करणार होते मयुरेश पै, त्यांना सांगितलं की आता तयारी कर, आपण पुस्तक काढून रिलीज करूया दिवाळीला। ती दिवाळी काही आली नाही, तिच्यासमोर हे पुस्तक रिलीज झालं नाही, आणि तिच्यानंतर सर्वांनी तेवढ्याच उत्साहाने केलं ते, आणि आज तुम्ही बघितलंच आहे, आणि मला बघायलाही मिळेल की किती सुरेख चित्र काढली आहेत तिला, फोटो काढलेले। तर मला असं वाटतं सर्वांना आवडेल असं वाटतं, सर्वांना जर आवडलं तर तिला समाधान होईल, कारण आमच्या मते ती आहे, सगळे कार्यक्रम ती बघत होती, तर मला वाटतं की ती पण आनंदात आहे, आपण सर्व आनंदात राहू अशी सर्वांची इच्छा आहे। हिंदी में बात करें, हिंदी सर आज क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत बड़ा दिन है,
लता दीदी ने जो इतने सालों से फोटोग्राफ जो उन्होंने क्लिक किए थे, बहुत लोग कम लोगों को पता है कि जैसे लोगों को लगता है लता दीदी जो गाना बहुत ही कमाल का गाती थी भारत नृत्यम, और दीदी बहुत अच्छी फोटोग्राफ क्लिक करती थी, और आज उसका बुक का विमोचन हुआ है, बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए कि दीदी ने इतने सालों से जो फोटोग्राफ लिए, चाहे वो नेचर के हो, चाहे व्यक्ति के हो, जो अलग अलग जगह के हो, वो पूरा कंपाइलेशन एक साथ, और जो नाम है टाइटल एंड चिक लिक्ड, बहुत ही कमाल का पुस्तक है, एक कॉम्फर्टेबल बुक है, जो दीदी को की फोटोग्राफ देखेंगे कि दीदी ने किस तरह से फोटोग्राफ क्लिक किए, तो हम सबके लिए बहुत ही गौरव का, आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है यहाँ पे कि दीदी का जो योगदान, जो कॉन्ट्रीब्यूशन, ऐसा कोई दिन जाता नहीं है जहाँ पे दीदी के गाने हम सुनते नहीं हैं, और आज उनका पुस्तक जो लॉन्च हुआ है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि मंगेशकर परिवार ने मुझे यहाँ पे बुलाया विमोचन के लिए, और बुक का हमने विमोचन किया। दीदी के साथ मेरे संबंध तकरीबन 18-20 साल से है रहे हैं पूरे परिवार के साथ। मेरी पहली पिक्चर मुझे याद है, जो अपना जो पिक्चर से मुझे बहुत ही सफलता मिली, पेज 3, आज भी गाना जो है उसका इतना गुनगुनाया जाता है, कितने अजीब रिश्ते यहाँ पे, दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ा है बच के निकलते हैं, वो आज भी इतना पॉपुलर है, और कोई भी क्षेत्र में है वो गाना आज भी इतना रिलेवेंट है, जो कनेक्ट करता है, तो मुझे इस बात की खुशी है। दीदी ने उसके बाद मेरे लिए फिल्म जेल में भजन गाया, एक तीसरा गाना भी है जो मेरे पास है, यूज़ किया जाएगा उसको कभी आने वाली फिल्मों में। इस बात की खुशी है मुझे कि आज मुझे इस विमोचन में एक हिस्सा बनाया गया, एंड दीदी के जो तमाम पुस्तक है, फोटोग्राफ है उसके अंदर, वो पूरा जो है विश्व देखेगा इसको, मुझे इस बात की खुशी है। मैं पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने अच्छा टीम वर्क करके उन्होंने पूरी पुस्तक को कंपाइल किया, जो जो लोग इससे जुड़े हुए इस पुस्तक से, मैं बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहता हूँ। सर, आपको लगता है ये चीज़ पहले आनी थी, पता नहीं सामने ही लोगों सब हो जाता? हाँ, ये था कि पहले इस चीज़ का मलाल है, हमेशा मलाल रहेगा, 100% रहेगा, कि दीदी होती है, दीदी के सामने ये चीज़ होता तो बहुत अच्छा लगता हम सब के लिए, लेकिन दीदी मैं हमेशा कहता हूँ हमारे हम सब के लिए, और हमेशा ही हम उनके साथ रहे। वो आज भी दीदी हमें देख रही होगी कि कितना अच्छा हमने विमोचन किया, कितने आज लोग उनकी आज भी जो मेरे कहते हैं कि जो पुस्तक एक नया लता मंगेशकर दीदी को नया एक पॉइंट ऑफ व्यू देखने मिलेगा कि दीदी ने जो पिक्चर क्लिक किया है। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। दीदी के हर एक पहले जब दीदी थी तब की बात भी और अभी भी दीदी के जाने के बाद भी ऐसे कभी लगता नहीं है कि दीदी चली गई है, अभी भी उनका जो क्या बोलते मराठी में होता है ना कि अनुभव सारखा ये तो सुधी दिन था, त्यांच्या प्रेमाबद्दलचा त्यांच्या स्वभावाचा बऱ्याच गोष्टी लोक तो मतलब जैसे पहले हम भी आम आदमी के तरह उनको बहुत प्यार करते थे उनके संगीत की वजह से, उनके गायन की वजह से, लेकिन पिछले 15 सालों में दीदी के साथ जो पहचान मिली और एक अलग एक व्यक्ति की पहचान हो गई, सिंपल अपने घर में जैसे अपनी माँ रहती है, बहन होती है, वैसे ही दीदी दीदी के घर में बाकी